तो हाँ जी गाइस यार भाई सभी वाले को जय श्री राम। और भाई आज मैं फिर से लेकर आ चुका आपके लिए भाई तगड़ा सा GTA 5 का भाई सीक्रेट मोड। लिटरली भाई साहब, मतलब भाई मेरे भाई इस टॉपिक में भाई काफी ज्यादा भाई लोगों ने मेरे को भाई कमेंट किया था कि मतलब भाई हम आपके जैसे भाई कार में भाई रस्टिंग कैसे लगा, मतलब कि भाई आप भाई हमारे वीडियोज वगैरह देखते हुए होते तो भाई नहीं देखते हो क्या भाई, देखा करो यार भाई तगड़ी तगड़ी यार वीडियो लेके आते हैं हम लोग भाई। मतलब भाई एक टिप मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे भाई हम भाई ओल्ड कार की भाई रिस्टोरेशन वगैरह करते हैं भाई वीडियो में, तो हम भाई उस कार को भाई एकदम ज़्यादा भाई पुरानी बना देते हैं भाई, कार में जंग वगैरह लगा देते हैं। और भाई काफ़ी भाई लोग भाई मेरे को भाई कमेंट कर रहे थे कि मतलब भाई तुम अपनी भाई गाड़ी में भाई कैसे जंग कैसे लगाते हो। ठीक है, एक भाई ने तो भाई इंस्टा में भी डीएम करके बोला था भाई इस टॉपिक में भाई वीडियो तो आनी चाहिए, तो हमने बोला चलो भाई ठीक है यार लेके आ गए भाई वीडियो। ठीक है भाई, इसके लिए चाहिए होगा आपको पहले तो भाई मैन्यूअल ट्रेनर, ठीक है, ताकि आप भाई गाड़ी वगैरह भाई पहले भाई डाल सको। ठीक है, अगर आपने भाई मोडिंग वगैरह कर रखी तो अच्छी बात है, अगर भाई आपने भाई मैन्यूअल ट्रेनर वगैरह आपने भाई पीसी में इंस्टॉल नहीं कर रखा, भाई GTA 5 में भाई इंस्टॉल नहीं कर रखा तो भाई कर लो यार भाई, यहाँ पर भाई आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने भाई कुछ ही दिन पहले भाई GTA 5 का भाई फुल मोडिंग सेटअप का भाई वीडियो बना रखा, जहाँ पर भाई आपको भाई कोई प्रॉब्लम भाई देखने को भाई मिलेगी नहीं। अगर भाई मिलेगी तो भाई आप फटाफट से कमेंट कर लेना, अगर भाई ये वीडियो में आपको कुछ समझ ना आया तो फटाफट से कमेंट कर देना। ठीक है, और अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो यार, तुम्हारे भाई का चैनल है यार भाई, आपको भी बेनिफिट है यार, सब्सक्राइब करोगे तो भाई कोई भी मोड आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, जो कि भाई देखो भाई GTA 5 होती है भाई फुल भाई क्रिएटिविटी की गेम। ठीक है, तो यहां पर मैंने भाई थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी यूज की है, जो कि भाई मैं आप मतलब भाई अपना सीक्रेट भाई रिवील करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं वो चीजें भाई करता कैसा हूं, मतलब देख लो यार, जैसे कि भाई देख लो भाई ये अपनी भाई एक गाड़ी है जो कि भाई सुजुकी की स्विफ्ट है, और भाई ये मतलब भाई आप देख रहे हो भाई ये ऐसे ऐसे भाई कैसे हो रहा है भाई, मतलब भाई ये सारा भाई मैन्यूअल ट्रेनर का कमाल है। ठीक है, अब भाई F8 प्रेस करोगे तो आपको मैन्यूअल ट्रेनर भाई ओपन हो जाएगा, भाई दो बार F8 फर्स्ट टाइम में भाई दो बार प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद भाई सिंगल प्रेस करोगे तो भाई तो भी चल जाएगा। ठीक है, F8 प्रेस करोगे मैन्यूअल ट्रेनर ओपन हो जाएगा, और अगर भाई F9 प्रोसेस करोगे तो मतलब F9 भाई प्रेस करोगे तो भाई स्पोनर मोड भाई अपना ऑन हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो भाई ये सुजुकी स्विफ्ट, और भाई बगल में अपनी भाई टोयोटा की भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर, जो कि मेरी भाई काफ़ी ज़्यादा भाई ड्रीम कार है, और इसको भाई अचीव करने में भाई आप ही लोग हेल्प कर सकते हो यार वो भाई सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो अभी अपन लोग भाई क्या करते हैं, जैसे कि मान लो भाई अपना भाई ये सुजुकी स्विफ्ट है भाई, ये हम स्विफ्ट को भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई थोड़ी भाई एक्सीडेंटल लुक देने के लिए इसको हम भाई इधर उधर भाई पहले भाई गाड़ी को थोड़ा बहुत भाई डैमेज करते हैं भाई, इधर उधर ठोकते हैं भाई। देख लो भाई, अगर आपका भाई गाड़ी डैमेज नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भाई एक रीज़न क्या हो सकता है, F8 प्रेस करना, व्हीकल ऑप्शंस में जाना, नीचे देखो यार कि इनविंसिबिलिटी मोड जो होता है ना भाई, इनविंसिबिलिटी, इससे भाई आपको भाई क्या, इससे भाई आपका गाड़ी डैमेज नहीं होता है, मतलब गाड़ी ब्लास्ट नहीं होता भाई, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये ऑफ कर लो भाई ज़्यादा डैमेज भाई दिखाने के लिए। ओके देख लो भाई, अभी भी अपन लोग भाई देख लो, अभी भाई ये लाइव एग्जांपल है अपना, भाई बगल में फॉर्च्यूनर थी वो गायब हो गई भाई, वो क्यों गायब हो गई, क्योंकि भाई आपने भाई उसको भाई एंटिटी में भाई डाला ही नहीं है यार। तो उसके लिए भाई क्या करना है आपको, भाई F9 प्रेस करना है भाई, जैसे ही अपना भाई गाड़ी देखोगे उसमें भाई देख लो भाई यहाँ पर ग्रीन आइकॉन दिख रहा है भाई, ग्रीन आइकॉन मतलब कि भाई मतलब स्पोनर जो है ना भाई वो कुछ भाई डिटेक्ट कर रहा है, व्हीकल वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह। तो भाई यहाँ पर आप भाई गाड़ी में आपको लेके आना भाई दूसरे जगह, देखो भाई ग्रीन नहीं आ रहा ना, लेकिन भाई आप जैसे गाड़ी में लगाओगे भाई ये ग्रीन आ रही है, तो आपको भाई यहाँ पर राइट क्लिक करना है और भाई इसको करना है एंटिटी इज इन डेटाबेस, नीचे देखो भाई एंटिटी इज इन डेटाबेस, इसमें भाई एंटर मार देना, आपकी गाड़ी अब भाई एंटिटी में आ चुकी है, और अब भाई आपकी गाड़ी बिल्कुल भाई खोने वाली, मतलब गाड़ी खोने का भाई कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, आप भाई आपकी गाड़ी पर भाई कहीं पर खोएगी नहीं भाई, ये अच्छी बात है। अभी अपन लोग भाई क्या करते हैं भाई, फटाफट से भाई हेलो भाई इसको भाई थोड़ा बहुत ठोकते हैं, गाड़ी में थोड़ी बहुत भाई डेंट ला लिया हम लोग, और भाई हम भाई चाहते कि भाई रूफ वगैरह में भी डैमेज हो, रूफ में हम भाई कैसे डैमेज करें, उसके लिए भाई आपको F9 प्रेस करना है, और यहाँ पर भाई ऊपर जाओ ऐसे भाई गाड़ी को भाई आप भाई ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह तो भाई कर ही सकते हो, इतना तो भाई सबको भाई पता ही होगा। ठीक है, और भाई क्यू से हम भाई गाड़ी को रोल कर सकते हैं, अभी इसको हम भाई हेलो अभी भाई थोड़ी बहुत भाई रूफ में देखो भाई, रूफ में भाई थोड़ा बहुत भाई डैमेज आ गया। अभी अपन लोग भाई क्या करते हैं, इसके भाई पेंट को जो भाई गाड़ी में थोड़ी भाई गंदगी लाते हैं। ठीक है, F8 प्रेस करो, व्हीकल ऑप्शंस में जाओ, मेन्यू कस्टम्स में जाओ, और भाई पेंट्स में जाना है हमें। ठीक है, और भाई ज़्यादातर गाड़ी भाई रस्टिंग के लिए भाई बिल्कुल भाई व्हाइट में ही भाई, मैं तो भाई व्हाइट ही प्रीफेर करता हूँ भाई रस्टिंग को, भाई प्रॉपर भाई थोड़ी रियलिस्टिक लुक देने के लिए। और भाई डॉट लेवल को हम भाई क्या करेंगे भाई, फुल कर देते हैं इसको, ताकि भाई गाड़ी में थोड़ी गंदी लगे और थोड़ी रियलिस्टिक दिखे भाई, हाँ भाई गाड़ी पुरानी है करके। देखो अभी गाड़ी भी थोड़ी भद्दी सी लग रही है, पुरानी सी लग रही है, लेकिन इसमें थोड़ी और ज़्यादा भाई डेंट आ जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा ना,
भी देखो भाई गाड़ी भाई कितनी भद्दी और पुरानी लग रही है। इधर से भाई रूफ वगैरह भाई सारा कुछ भाई मतलब भाई डेंट वगैरह भाई काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अभी अपन लोग भाई क्या करते हैं भाई इसको भाई F9 प्रेस करेंगे और भाई यही गाड़ी की एक और भाई कॉपी निकालेंगे हम। अभी भाई कॉपी हम अगर करेंगे तो हमें भाई फिर से ये चीज भाई दोहराना नहीं पड़ेगा, इसलिए भाई मैं बोलता हूँ भाई आगे भाई डैमेज वगैरह मतलब डैमेज तो भाई ऑब्वियसली भाई नहीं आएगा भाई कॉपी करोगे तो, लेकिन भाई जो भाई डॉट वगैरह भाई वो सब आ जाता है। भाई सी प्रेस करते हैं, गाड़ी कॉपी हो गई। अभी भाई इसको अपन लोग भाई इधर के साइड रखते हैं। भाई यहाँ पर देखो भाई ये अपनी भाई नई वाली है, मेरे को भाई कैसे समझ में आ रहा है क्योंकि भाई हमने पुरानी में डेंट वगैरह लगा रखा है तो भाई इसीलिए समझ में आ रही है भाई ये पुरानी वाली अपनी गाड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग भाई यहाँ रखते हैं और भाई इसको भाई जिसको हमने भाई कॉपी किया उसका कलर भाई हम लोग भाई क्या करते हैं भाई इसका कलर भाई चेंज करते हैं, ठीक है भाई। इसके कलर चेंज करने के लिए आपको भाई यहीं पर भाई जैसा कि मैंने बताया भाई स्पोनर मोड F9 प्रेस करके ऑन करना, इसके बाद भाई ये गाड़ी में जाकर राइट क्लिक करना, भाई ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नीचे जाओ मेन्यू कस्टम्स और भाई फिर पेंट्स में जाना हमें, प्राइमरी कलर क्लासिक। अभी भाई देखो भाई ये काली तो भाई ऑब्वियसली भाई काली तो भाई अच्छी लगती नहीं भाई, रस्ट मतलब भाई रस्ट भाई कौन सा कलर का होता है मतलब भाई बीच जो भाई लगता है वो कौन सा कलर का होता है, वो होता है भाई थोड़ी ब्राउन ब्राउन कलर की। तो ठीक है तो हमें अभी ढूंढना है भाई ब्राउन कलर, रुक जाओ भाई ब्राउन ओके देख लो भाई ऐसा कुछ है। ये तो कुछ ज़्यादा भाई ये देखो ये थोड़ी ज़्यादा ही ब्राउन लग रही है और भाई थोड़ी पुरानी पुरानी सी भी भाई लुक दे रही है, वरना आप भाई ये वाली ब्रांड भी डाल सकते हो, मैं ज़्यादातर भाई यही यूज करता हूँ। लेकिन आज हम भाई आपको ओके चलो ये वाली या फिर ये वाली चलो भाई यही डाल के दिखाते हैं, ये थोड़ी डार्क है और भाई थोड़ी साइज भाई रियल लग सके। अभी हम भाई इसको क्या करेंगे आपको बिल्कुल भाई यहाँ पर फिर से जाना है, राइट क्लिक करना है, नीचे अटैचमेंट ऑप्शंस, ठीक है। हम भाई एंटिटी में इसलिए गाड़ी को ऐड करते हैं ताकि हम भाई उनमें भाई अटैच कर सके। अभी हम भाई अटैचमेंट इस ऑप्शन में जाएंगे, अटैच टू समथिंग में जाएंगे। अभी देखो अभी भाई अपने पास एक ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि भाई एंटिटी में अपनी भाई एक ही गाड़ी है अभी तक, भाई हमने भाई लेजेंडर को नहीं डाला इसी भाई लेजेंडर का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें अभी हम लोग भाई क्या करेंगे यहाँ पर देखो भाई इसमें भाई ग्रीन आइकन डाल रहा है मतलब ग्रीन आइकन आ रहा है ना मतलब कि भाई आप ये गाड़ी को भाई इस गाड़ी के साथ भाई जोड़ना चाहते हो ऐसा भाई मतलब ये इंडिकेट करता है। तो हम भाई एंटर कर देंगे इसमें, देखो भाई गाड़ी अभी इसमें आ गई। अभी देखो भाई कितनी भाई बढ़िया भाई रस्टिंग वाली भाई फील आ रही है। अभी हम भाई यहाँ से भाई इसके भाई आगे पीछे साइज वगैरह भाई मतलब भाई कैसे भाई एडजस्ट कर सकते हैं भाई, आपका स्क्रोल सेंसिटिविटी मतलब भाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, ज़्यादा रखोगे तो भाई गाड़ी भाई इतनी इतनी भाई भागेगी, ठीक है। मतलब कि भाई ये स्क्रोल सेंसिटिव मतलब भाई एक बार क्लिक करोगे तो गाड़ी कितनी दूर जाए, ठीक है। तो भाई हो सके तो भाई जितना मतलब भाई जितना आपको भाई डिटेलिंग का काम हो तो भाई वो थोड़ा भाई सेंसिटिविटी पर काफ़ी ज़्यादा कम रखना चाहिए, जैसे कि मैं 10 में रखता हूँ भाई थोड़ी बहुत भाई आगे पीछे करेंगे हम ताकि भाई रियलिस्टिक दिखे, ठीक है। और भाई जेड प्रेस करेंगे तो गाड़ी थोड़ी नीचे जाएगी ओके, एक्स प्रेस करेंगे तो भाई इधर उधर गाड़ी जाती है बाकी ओके। एक सेकेंड देख लो भाई वेट भाई अभी देखो बिल्कुल अब देखो अब लग रही है भाई रस्टिंग वाली गाड़ी, अब दिखने में थोड़ी पुरानी भद्दी भद्दी सी लग रही है ना भाई। ऐसे भाई मैं भाई रस्टिंग लगाता हूँ भाई अपनी वीडियो में, आप भाई अपनी गाड़ी में भाई कुछ इस तरीके से भाई रस्टिंग वगैरह लगा सकते हो, देख रहे हो अभी इस तरीके से हम भाई गाड़ी का पुरानी दिखा सकते हैं, ओल्ड मॉडल दिखा सकते हैं। ये तो अपनी भाई नई नई वाली गाड़ी होगी ना इसीलिए भाई ऐसी लग रही है, ठीक है। बाकी मैंने आपको भाई रिस्टोरेशन का मतलब भाई रिस्टोरेशन बता रहा हूँ भाई रस्टिंग वगैरह का भाई थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, अगर आपने कुछ समझा नहीं तो कमेंट में बता देना और फिर एड ऑन स्पोनर वाला आपको मोड चाहिए तो भाई कमेंट में बता देना, मैं आपको भाई नेक्स्ट वाली वीडियो अपन लोग भाई उसी में लेके आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और फिर बेल आइकन और भाई बिल्कुल भाई सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना क्योंकि आपके लिए भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब भाई हेल्पफुल होने वाला भाई। और भाई आप भाई हमारे भाई गेम प्ले देखा करो यार, इतनी तगड़ी तगड़ी लेके आते आप भाई देखती नहीं यार भाई, दुख तो लगता है भाई क्या कर सकते। चलो भाई सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।